हाय गाइस, तो फाइनली हमारे पास आ गया है वीवो Y36। और गाइस, आज हम करने वाले इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और एक छोटा सा रिव्यू। तो कुछ तरीके से बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो चलिए कुछ डिटेल्स इस फ़ोन के बारे में बताता हूँ। तो इसके अंदर मिलती है आपको 6.6 इंच की एक फुल एचडी डिस्प्ले, जो कि एक एलसीडी डिस्प्ले है। 5000 mAh बैटरी है, जो कि 44 वाट को सपोर्ट करती है। 8x28 वाला वेरियंट है। तो चलिए पूरा डिटेल्स बताता हूँ, पहले कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो कुछ तरीके से पैकेजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो निकालता हूँ फ़ोन को बाहर बॉक्स से। तो काफ़ी स्लिक सा डिज़ाइन है गाइस, काफ़ी स्लिम है। तो चलिए पूरी डिटेल्स बताऊंगा, पहले देखते हैं बॉक्स में क्या कंटेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ EMI नंबर्स है, उसको हटाते हैं एक बार। और यहाँ पर मिल जाता है आपको बैक कवर सिलिकॉन वाला, और उसके साथ ही यहाँ पर मिल जाते हैं आपको पेपर वर्क वगैरह सारा। यहाँ पर मिलती है आपको टाइप सी केबल, उसके साथ ही सिम जैक्सन पिन मिल जाती है। और यहाँ पर मिल जाता है आपको एक 44 वाट का फास्ट चार्जर। तो कुछ तरीके से डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए डिवाइस की तरफ आते हैं हम। तो यहाँ पर है हमारा डिवाइस, तो इसको निकालता हूँ इस कवर से बाहर। और गाइस, फर्स्ट लुक में काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन, काफ़ी स्लीक है। और देखिए पीछे का पैनल जो है काफ़ी ग्लोसी है, गोल्डन कलर का है, गोल्डन ब्राउन कलर का, और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसको अब ऑन कर लेते हैं, फिर आपको डिटेल्स फ़ोन के बारे में बताता हूँ। तो चलिए फुल डिटेल्स बताता हूँ इस फ़ोन के बारे में। तो जैसे कि इसमें बताया, इसके अंदर 6.6 इंच की आपको एक LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो कि एक फुल एचडी डिस्प्ले है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 12 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। साइड में देखोगे तो यहाँ पर कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलते। ऊपर की तरफ देखते हो यहाँ सिम ट्रे दी हुई है, तो मैं एक बार चेकआउट कराया था। तो यहाँ पर आपको तीनों स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 2 SIM और 1 memory SD कार्ड लगा सकते हो। माइक मिल जाता है यहाँ पर, वॉल्यूम कंट्रोल्स और पावर बटन है। और पावर बटन पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है, देख सकते हो, जो कि काफ़ी फास्ट है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको फेशियल लॉक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। देखिए क्लिक करते ही ऑन हो जाता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको नीचे की तरफ देखो तो सारे पोर्ट इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। बैक साइड में देखो तो यहाँ पर आपको कुछ तरीके से कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 48 MP प्लस 13 MP का ड्यूल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। यहाँ पर LED फ्लैश लाइट और यहाँ पर काफ़ी स्पार्कल सा डिज़ाइन दिया हुआ है। ये आपको ग्लास दिख रहा होगा, लेकिन फाइबर ग्लास बॉडी है। और यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, तो आप कुछ डिटेल्स और देख लीजिए। यहाँ पर इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो दिखा देता हूँ। 550 निट्स की ब्राइटनेस लेवल है इसका, जो कि काफ़ी अच्छा ब्राइट है। लाइट है इधर ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट, फिर भी देखिए कितना ग्लो कर रहा है स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देख लीजिए। अबाउट फ़ोन के अंदर और भी डिटेल्स बता देता हूँ, उसके बारे में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अबाउट के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, यहाँ चेकआउट कर सकते हो। एंड्रॉइड 13 आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो 8+8 इसमें 16 GB की रैम, मतलब 8 GB की नॉर्मल, 8 GB की वर्चुअल रैम आपको देखने को मिल जाती है। 128 GB वाला वेरिएंट है। और यहाँ पर कुछ तरीके से आपको डिटेल्स देखने मिल जाती है। तो चलिए बैक करके आपको कैमरा भी दिखा देता हूँ। तो 12 MP से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं सेल्फी कैमरे से। तो यहाँ पर कुछ तरीके से आपको डिटेल मिल जाती है। तो गाइस, जितना अच्छा कैमरे को लाइट मिलेगी, उतनी अच्छी आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करवा देता है इसका कैमरा। तो बैक कैमरे से भी देख लेते हैं 14 MP से। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लियरिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस, ये इसका एक फर्स्ट लुक और एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। तो गाइस, कैसा लगा फ़ोन आप मुझे बताना। 17,000 रुपये की प्राइस में लॉन्च हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेट्स अनबॉक्स।